आजकल लेक्चर जो है ना, ये मैं आपको दे रहा हूं कि उर्दू पे काम कैसे करते हैं कोरल ड्रा के अंदर। ये हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर में से एक है, इसके बाद शायद ही हमारा कोरल का एक या आधा लेक्चर हो, बाकी हम सिर्फ काम के रिलेटेड बात करेंगे। ऑलमोस्ट कोरल कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको उसकी तमाम जो है लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हुए हैं। आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो कोरल में उर्दू कैसे लिखते हैं, अभी देखें मैंने कोरल ओपन किया हुआ है, और अगर मैं इन पेज बाद में ओपन करता हूँ ना तो कोरल में उर्दू नहीं आएगी। नंबर वन, ये पॉइंट अपने जहन में रख लें कि ये मैंने मिनिमाइज किया कोरल को और मैंने इन पेज ओपन कर लिया, तो मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं ना कोरल में उर्दू नहीं आएगी। इन पेज से कोरल में उर्दू नहीं आएगी। हमेशा आपने क्या करना है, पहले इन पेज खोलना है, उसके बाद जब इन पेज ओपन हो जाए, इन पेज ओपन होने के बाद आपने कोरल को ओपन करना है। ये अपने पॉइंट अपने जहन में बिठा लें, ठीक है जी। ये आप अपने जहन में अपनी कापियों पे लिख लें, फर्स्ट ओपन इन पेज, ठीक है, देन ओपन कोरल ड्रा, कि पहले आपने इन पेज ओपन करना है, उसके बाद कोरल ड्रा खोलना है। अदरवाइज ये मैं देखें, मैंने इन पेज ओपन अभी हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है विंडोज 10 के ऊपर ओपन होने पे, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है इसके ओपन होने तक। अभी मैं कोरल को क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा। पहले मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ कि वाकई वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आपके सामने अभी आएगा, ठीक है जी। अभी इन पेज ओपन हो रहा है हमारा, तो इन पेज को ओपन होने दें बड़े सुकून से। ये इन पेज ओपन हो गया, ये मैंने यहाँ से न्यू लिया। अच्छा, ये मैंने आपको ना एक प्लेलिस्ट भेजी थी जिसमें टाइपिंग के लेसन थे, और उसी टाइपिंग के लेसन में मैंने उर्दू टाइपिंग के लेसन भी दिए हुए हैं। आप अगर उन लेसन को यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा लिया, इसमें मैंने लिखा अपना नाम, ठीक है। आप देखें, मैं चाहे इसको यूं कॉपी करके ले आ रहा हूं, पहले तो ये बात सुन लें, इसको कभी भी इन पेज में इस तरह से कॉपी नहीं करना। सिलेक्ट करके आपने आप पेस्ट करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये एरर दे देगा। ओके, अभी आपने इसको ये सिलेक्ट बॉक्स लेना है और इस पूरे बॉक्स को कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। तो ये अभी देखें ऐसे आ रहे हैं, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इन पेज को बाद में ओपन किया है और कोरल को पहले ओपन किया है। तो मैं कोरल यहाँ से बंद कर रहा हूँ, इन पेज भी बंद कर रहा हूँ। अब मैंने बिल्कुल दोनों चीजें बंद कर दी। अब पहले मैं इन पेज ओपन करता हूँ, ये थोड़ा सा आपको पता है उस पे विंडोज 10 पे टाइम लगाता है, क्योंकि ये बना हुआ है दो 2000 का, 2000 के बाद इन पेज के जितने भी वर्जन आए हैं वो इस लेवल के नहीं आए। प्रोफेशनली जो इन पे यूज होता है वो हमारा इन पे 2000 ही यूज होता है, बाकी लोगों ने सिर्फ ये क्रैक करके इसकी ये स्क्रीन चेंज की हुई है। मैंने भी एक दफा चेंज की थी, लेकिन वो इन पेज जो है वो पुराना ही है। अभी मैंने न्यू फाइल ले ली और यहाँ से अब मैं कोरल को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये कोरल ओपन हो गया। अब मैंने इन पेज पहले ओपन कर लिया है और कोरल मैंने बाद में ओपन कर लिया है, नजर आ रहा है आपको। अब मैं दोबारा से टाइप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे इन पेज में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है कोई, चलो मैं इमरान को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पर आके पेस्ट। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप या तो पूरी की पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट कर लें, कि आप यहाँ से, मैंने कोई सी फाइल ओपन कर लेते हैं, ये अभी मिसिंग हो रहे हैं फाउंट्स थोड़े से, कोरल में होता है इस तरह के इशू बाद आ जाते हैं,
ये मैंने एन, ये एन ले लेना है आपने, एन टेक्स्ट बॉक्स इसमें आपने लिखना है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं शायरी को कैसे टाइप किया जाता है, शेर आपने कैसे टाइप करने होते हैं। शायरी की बुक अगर आप टाइप करने जा रहे हैं और कोरल में कंपोज करने जा रहे हैं तो आपने उसकी जस्टिफिकेशन इन पेज पे ही कर लेनी है, कोरल पे नहीं करनी बैठ के। मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, ये फॉन्ट नूरी नस्तलीक थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैंने लाहौरी नस्तलीक ले लिया है, या मैं यहाँ से और फॉन्ट ले लेता हूँ। ये ले उसमें यूं अच्छा देखें, अब मैंने ये शेर लिखे ना, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट को, ठीक है। अच्छा ये है आगे जा रहा है, ये है पीछे आ रहा है, तो हमने इसको जो है ना जस्टिफाइड यहीं पे कर लेना है बजाय कोरल पे जाके करने के। इसका मेथड क्या होता है, आप ये बॉक्स उतना ही लें जितनी जरूरत है, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला बटन है, ये जस्टिफाइड का बटन है, इसको क्लिक कर दें। आप देखें दोनों साइडें बराबर हो गई, ठीक है। उसने यूं भी नहीं डाल रखा है, कल के वादे पे टाल रखा है। अभी आपने इसको यहाँ से ये सिलेक्शन बॉक्स को क्लिक किया, यहाँ से इसको कॉपी किया और इधर आपने कोरल पे आके पेस्ट कर लिया। ये बहुत बड़ा नजर आता है और आपने क्या करना होता है, इसको यहाँ से 20% इसका काम कर दें, मतलब 20 जितना 100 है ना 20 का रह जाए। तो ये कुछ मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब आपने इसके कलर देने हैं, इसको कुछ भी करना है। इसको नॉर्मली कंपोजर क्या करते हैं, वो इसको जब अखबार वगैरह टाइप कर रहे होते हैं ना, वो उस उनके पास जगह बहुत कम होती है, उन्होंने एक छोटी सी जगह में उसको फिट करना होता है, वो इसको नॉर्मली क्या करते हैं अनग्रुप करने के बाद अलिफ सीन इन एक एक को उठा के यूं नजदीक करते हैं बैठ के, ठीक है, एक एक को उठा के, ठीक है, ने को ले जाएंगे यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही फासला बचाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग कंपोजर होते हैं, उनको कंपोजर बोलते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में ऐसी चीज नहीं होती, ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो इन चीजों को बहुत कम देखता है, ग्राफिक डिजाइनर और कंपोजर जो है ऑलमोस्ट दोनों का लिंक तो है कि आपके आप किसी किताब को भी टाइप कर सकते हैं, आप बाज़गात कंपोजिंग भी करते हैं। कोरल का काम ये है, वो कंपोजिंग भी करता है और डिजाइनिंग भी करता है। अब ये देखा जाता है कि आपको ऑर्डर किस चीज का मिला है, ऑर्डर कंपोजिंग का मिला है, बुक टाइप का मिलना है या क्या मिला है। अब देखिए ये मैंने उसने यूं भी नहीं डाल रखा है, मैंने बिल्कुल जगह काम होगी, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, आपने अक्सर देखा होगा दाखला जारी है, मेरे तरह फाउंट्स में मसला आ रहा है, मैं यहाँ से बॉम्बे ब्लैक फाउंट लेता हूँ, बी दबाएंगे तो आ जाएगा बॉम्बे ब्लैक, तो मुझे नजर नहीं आ रहा फाउंट में, जी मेरे इन पेज में कोई इशू है, एक दो फॉन्ट यहाँ पे नहीं आ रहे, मुझे दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। चले मैं इस फॉन्ट को ले लेता हूँ, बहुत सारे फॉन्ट्स मेरे इन पेज में नहीं आ रहे, मुझे तो उनके नाम जबानी याद हैं, वो अगर नजर नहीं आ रहे तो इस मीन के वो यहाँ पे हैं ही नहीं। चले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ।
अभी ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, कुछ लोग डिजाइनिंग में ये काम करते हैं कि अनग्रुप करने के बाद भी उस पर काम करते हैं उर्दू के अंदर। तो ये है लिखा हुआ है ना, इस है को ये उठा लेंगे, और कर्व क्योंकि हुआ हुआ है तो ये कर्व को यहाँ से इसके साथ यूं मिलाएंगे। तो अब देखें है थोड़ा सा बड़ा लगने लग गया है, तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। मैं देखिए शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ ले गया हूँ, यहाँ से मैंने इसको ये दो एंकर पॉइंट्स को पकड़ा है और शिफ्ट दबा के यहाँ पे ले आया हूँ। तो अगर इसको काम करके जोड़ना हो बिल्कुल उसके साथ तो वो भी कर सकते थे। ठीक है जी, एज आपने जोड़ दिए। अच्छा, फिर आप क्या करते होते हैं, जब उर्दू के इस तरह लफ्ज आप बना लेते हैं उसके बाद ऐसे वर्डिंग को कंबाइन कर दिया जाता है, और कंबाइन करने के लिए ये हमारे पास ग्रुप है और ये कंबाइन है। कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप होता है, कंट्रोल प्लस एल से कंबाइन होता है। तो अब मैंने कंबाइन कर दिए, ठीक है। उर्दू में नॉर्मली हम ऐसे फॉन्ट्स पे कंबाइन का फंक्शन यूज करते हैं बजाय हम दूसरे पे काम करें। उर्दू में हम बाज़ अवकात आप फ़ॉन्ट्स भी हमारे उर्दू के मिलते हैं, और उनमें जैसे ईद मुबारक लिखना है या रमज़ान मुबारक लिखना है या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखनी है, यहाँ पे कंट्रोल F11 आप प्रेस करें तो ये हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं। अभी मैंने कुछ उर्दू फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जब उर्दू फ़ॉन्ट्स लेंगे तो यहाँ पर वो शो होते हैं। जैसे ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, ये एक स्टाइल है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर लें, मतलब ड्रा कर लेना है, यहाँ से प्रेस करके ओरल पे ले आए। बहुत सारे स्टाइल तो आपको इस तरह के मिल जाएंगे, तो हम इनके ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। ओरल की शॉर्टकट कीज मैंने इंस्ट्रक्टर रिसोर्सेज में रख दी है तमाम की तमाम, और मैंने आपको बताया भी था कि न्यू शॉर्टकट की कैसे बनाते हैं, अगर किसी चीज की नई शॉर्टकट की है ही नहीं वो कैसे बनाएंगे, वो भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था 2 दिन पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में। तो आप जो है नई शॉर्टकट कीज भी बना सकते हैं और उनको भी यूज किया जा सकता है, और इनको बेशक आप मल्टी कलर दें बेशक आप सिंगल कलर दें, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। कल हमने फ्लेक्स डिजाइनिंग पे बात की थी, और अब मेरे ख्याल में हम इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आपने आज करना क्या है, आज का जो आपका काम है वो इन पेज को इंस्टॉल करना है, इन पेज में उर्दू को टाइप करना सीखना है। अच्छा, इन पेज में उर्दू को टाइप कैसे करना है ये नए बंदों के लिए, मैं न्यू जो जिनको बिल्कुल इन पेज नहीं आता उनको मैं बताने जा रहा हूँ। आपने इन पेज खोलना है, यहाँ से न्यू फाइल लेनी है, F8 का बटन प्रेस कर देना है या यहाँ पे जूम 200% कर लेना है। जब हम F8 प्रेस करते हैं ना ये पेज बड़ा हो जाता है, यहाँ से साइज थोड़ा सा फॉन्ट का बड़ा कर लेना है ताकि आपको भी बड़ा बड़ा नजर आए, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी अखबार का पीस ले लेना है, कुछ भी ले लेना है, आपने टाइप करना है। टाइप कैसे करना है ये बात भी अपने जहन में बिठा लें। यहाँ से आपने एडिट पे जाना है, एडिट के बाद प्रेफरेंस पे क्लिक करना है, एडिट के बाद प्रेफरेंस के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। यहाँ से जब आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो आपका फॉन्ट ये वाला आ रहा होता है, कौन से वाला, मोनोटाइप आ रहा होता है। आपने या मुख्तदरा कौमी जबान का लेना है या फोनेटिक लेना है। नॉर्मली हमारा जो कीबोर्ड चलता है वो फोनेटिक कीबोर्ड चलता है, मुख्तदरा कौमी जबान का ये टाइपिंग मैंने उर्दू की टाइपिंग मशीन पे की थी उसमें, और इसमें थोड़ा सा फर्क है, मुख्तदरा में और फोनेटिक में हल्का सा फर्क है, लेकिन बाकी कीबोर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। मोनोटाइप अगर आप लेंगे तो आप देखें यहाँ पे आप ए लिखेंगे तो वो क्वाफ लिखेगा, एस लिखेंगे तो वो फे लिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से फोनेटिक ले लेते हैं और उसके वीओ देखें तो अब आप गौर करें, ए से अलिफ, ठीक है, बी से बे, ठीक है, के
से काफ, तो ये आपकी ऑलमोस्ट जिस तरह हम इंग्लिश के वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, ये उसी तरह से चलता है। एच से ये है कैपिटल एच से ये वाली है, इसका आपने प्रिंट निकाल के अपने पास सामने रख लेना है। अगर प्रिंट नहीं निकाल सकते तो ये यहाँ से आपने एक दफा अपने जहन में बिठा लेना है, इसकी तस्वीर खींच लेनी है। ये देखें, डी से दाल है, बड़ी डी से डाल है, एस छोटे से सीन है तो बड़े एस से स्वाद है। इन बातों को गौर से देख लेना है, फोनेटिक कीबोर्ड पे ओके कर देना है। उसके बाद आपने कुछ भी लिखना है यहाँ पे, मसलन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो आप देखें पाकिस्तान में पहले पे आती है तो आपने पी प्रेस किया, फिर अलिफ आती है तो आपने ए प्रेस किया। ये मेरे पास थोड़ा सा फाउंड का इशू आ रहा है, मैं यहाँ पे नूरी करेक्टर ले लेता हूँ, तो पे अलिफ पा हो गया। उसके बाद काफ लिखना है तो के दबाएं, अब देखें सीन लिखना है तो एस दबा दिया, अभी मैंने ते लिखना है तो टी दबा दिया। अगर मैंने टे लिखना होता तो मैं शिफ्ट टी दबाता। उसके बाद मैंने अलिफ लिखना है, ए दबाया, एन दबाया तो नून, तो इस तरह से पाकिस्तान लिखा गया। तो ये आपने सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस बनानी है उर्दू टाइपिंग की, और उर्दू टाइपिंग की स्पीड भी आपकी उसी तरह से बढ़ती है जैसे आपकी इंग्लिश टाइपिंग की बढ़ती है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है। अच्छा, उसके बाद इसमें आ जाती हैं अरेबिक की चीजें, जिसमें पेश, शद, जजम, मद, तो ये भी हमें यहाँ पर दी गई हैं, और कुछ तो हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, मसलन मैंने अल्लाह लिखना है तो मैं क्या करूँगा, अलिफ डबल एल और हे, लेकिन अगर मेरे पास फाउंट कोई और है, मैं यहाँ से फाउंट और ले लेता हूँ, मस्जिद फाउंट ले लेता हूँ, तो ये इस तरह से लिखा गया। अगर मैंने ये लिया तो इस तरह से लिखा गया। ये हमारे पास कुछ फाउंट्स भी चेंज होते रहते हैं, नूरी नस्तालीक में और होगा, लाहौरी फाउंट में और होगा। और एक आसान मेथड ये भी होता है कि हम अलिफ लिख लेते हैं यूटल सिंबल में जाके, उसके बाद ये कर देते हैं। तो ये इन पेज की भी मैं एक से दो लेक्चर आपको और मजीद दूंगा, और इन पेज भी हमारा कवर हो जाएगा और इसके साथ साथ कोरल भी कवर हो जाएगा। इन पेज आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, और ना ही उर्दू की कंपोजिंग शामिल है, ना ही अरेबिक की शामिल है, लेकिन क्योंकि हम कोरल कर रहे हैं और कोरल में हमें ये जरूरी होता है, मैंने इसका सिलेबस आप लोगों का बड़ी डिटेल में देखा है। आपको पता है कि गवर्नमेंट वाले जो सिलेबस बनाते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं, वो अधूरा सिलेबस होता है। तो अगर आपने फाइवर पे अर्निंग करनी है, आपको हर तरह का क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट पाकिस्तानी भी होते हैं, क्लाइंट इंडियन भी होते हैं, क्लाइंट आपको कहीं पूरी दुनिया से भी, मैंने अभी जर्मन लैंग्वेज में काम किया है बैठ के, तो हमें हर तरह का काम देना पड़ता है। अभी मैंने एक जर्मन लैंग्वेज में दो तीन दिन आपको एक ऑर्डर दिखाया था जो मैंने कंप्लीट किया था शुरू के लेक्चर्स में, जब मैं आपको फाइवर पे लेक्चर दे रहा था, तो ये मेरा जर्मन का मैंने एक पोस्टर बनाया था, जर्मन के अंदर मैंने टाइप करके दिया था। तो ये कोई सा भी आप इसे, ये देखें ये जर्मन का पोस्टर है, अब ये जर्मन लैंग्वेज में है, अब ये जर्मन में है, ठीक है। तो लैंग्वेज हमारे पास क्योंकि पूरी दुनिया है, हम क्लाइंट कहीं से भी पकड़ सकते हैं, तो आप भी जो है कोशिश करें कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम आता हो। तो कम से कम उर्दू हमारी अपनी जबान है और हमें किसी भी वक्त कोई इश्तिहार, कोई बैनर, कुछ भी बनाना पड़ सकता है, उर्दू पे आपको काम आना चाहिए, उर्दू में आप उसको डिजाइन कर सकते हो। और अभी कोई इसके रेलेवेंट क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले जी। जी है जी किसी का क्वेश्चन? सर ये रन टाइम पे नहीं टाइप हो सकता है उर्दू कोड रॉ में? यूनिकोड पे आजकल काम हो रहा है, लेकिन उसमें कंपोजिंग नहीं होती, हम नॉर्मली उर्दू की कंपोजिंग इन पेज पे ही करके लाते हैं,
यूनिकोड का अलबत्ता इलस्ट्रेटर पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। अब देखें मैं यूनिकोड पे चला जाता हूँ, यहाँ से ये मैंने यूनिकोड उर्दू पाकिस्तान ले लिया, यहाँ से मैंने क्लिक करके एक फाउंट भी नूरी नस्ता लीग ले लिया, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। मैं यहाँ पे नूरी नस्ता लीग फाउंट ढूंढ लेता हूँ जी, एन में होगा यहाँ पे, देखिए ये सारे फाउंट उसके आ रहे हैं अपना इन पे से। चलो ये मैं नसख ले लेता हूँ, नूरी नहीं मिल रहा तो नसख ले लेता हूँ। अब देखे मैं यहाँ से ये टाइप क्लिक करता हूँ, यहाँ से बैठ के तो देखे मैंने हुसैन लिखा ना, वो यूं हो गया। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है यूनिकोड में, अब इमरान लिखा गया है, आगे हुसैन नहीं लिखा गया, इसी तरह खान लिखा गया है, ठीक है। कुछ लफ्ज लिखे जाते हैं, कुछ लफ्ज में प्रॉब्लम आ जाता है। तो यूनिकोड पे अभी तक हम उस कंपोजिंग के उस लेवल पे नहीं पहुंचे हम, इसीलिए अभी भी हमारी मार्केट्स में जाएं, आप प्रेस मार्केट में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, जो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं वो अभी तक इन पेज पे ही काम कर रहे हैं। यूनिकोड से आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे ना तो वो भी बहुत सारे वर्ड मिसिंग हो जाए। मसलन मैं आपके सामने एक उर्दू पॉइंट की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, या मैंने एक अपनी भी वेबसाइट बनाई हुई है, चले ये उर्दू एआरवी न्यूज को ही खोल लेते हैं, ठीक है। अभी ये लिखे, ये एक खबर है, मैं इसको कोरल में पेस्ट करना चाहता हूँ, कॉपी, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेके पेस्ट किया। देखिए ये पेस्ट हो गई है, पेस्ट हो गई है, और लेकिन अभी ये फाउंट एरियल है। अगर मैं नूरी नस्ता लीग या अलवी फाउंट पे जाऊंगा या किसी और फाउंट पे जाऊंगा तो उसमें मुझे ये इस तरह से हमारी हालत इसकी ये हो जाएगी, और ये अब वापस भी नहीं आएगा, ठीक है। ये एरियल पे ही चल रहा है, नसख पे भी वैसे ही है। तो उर्दू अभी सपोर्ट तो कर रही है विंडोज 10 जो है, और कोरल पे आप इस पे बना भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फाउंट काम नहीं कर रहे। ये कनीज ने नहीं काम किया, यहाँ पे मैंने एक अलवी नस्ता लीग इंस्टॉल किया हुआ है, वो ये अब चेंज हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कंट्रोल क्यू कर दें, उसके बाद ये आपका फाउंट हो कर्व में आ गया। कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोरल सपोर्ट करे तो, अगर कोरल सपोर्ट ना कर रहा हो, फाउंट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर हमें हर हाल में इन पे ही से लाना पड़ता है। अगर अभी इस पे हमें कॉपी पेस्ट पे कर रहा है तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल जी? जी है किसी का सवाल? सर मुझे, हाँ जी सर, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कल वाले लेक्चर में ना जी। सर वो जो आप लास्ट टाइम कर रहे थे ना, पोजीशन होल्डर बच्चों का बना रहे थे आप, उसमें पिक्स लगा रहे थे उनके, सर वो नहीं आ रहा, कल रिकॉर्डिंग में भी नहीं आया, फिर लास्ट से आपने ना वही से खत्म कर दिया था लेक्चर, वो थोड़ा आपसे पूछना था आपने उसको कैसे सेट किया था। वो पावर क्लिप का था, आप वीडियो एक दफा आपने दोबारा देखनी थी, आपको आ जाना था। मसलन अभी ये है इस, नहीं नहीं सर वो तो समझ आ गई है, पावर क्लिप वाला। हाँ ये पावर क्लिप के जरिए ही था ना, अभी मैं इस पावर क्लिप को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको अलहदा कर लेता हूँ। अब देखें तस्वीर अलग हो गई और बॉक्स अलग हो गया, ठीक है। अभी इस तस्वीर को इस बॉक्स में फिट करना है हमने सर। तो ये आपने दोबारा इफेक्ट में गए, पावर क्लिप में गए, इनसाइड द कंटेनर इसमें चला गया। अब आपने एडिट करना है और इसको उठा के इधर ले आना है, ठीक है। जहाँ पे देखें ओके है वहां पे जाके फिनिश कर दें, तो ये फिनिश हो गया, ठीक है। यही काम जी सर, कल मैंने यही चीज जी सर, जी 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 सर यही किया था, यही किया था जी सर, ठीक हो गया समझ। नहीं सर थैंक यू, समझ आ गया। बाकी जो नए लोग आए हैं वो कोशिश करें पुरानी तमाम वीडियोस को देखें, तमाम कोरल के टूल्स को देखें, और किसी का कोई सवाल हो कि वीडियो में समझ ना आई हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसका यहाँ पे क्लियर करवा दूँ।
सर कल आपने वो जो पाकिस्तान बड़ा करके लिखा था और दरमियान में लेटर जो इंडियो से बड़े किए थे सर, वो एक बार जरा बता दें। अच्छा ठीक है जी, मैं दोबारा बता देता हूँ जी। ये मैंने लिखा था यहाँ पे पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मैंने थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर दिया था, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट ले लिया था, अभी ये वाला फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कल इससे भी बोल्ड लिया था हमने, ये थोड़ा सा बहुत अजीब सा है, मैं कुछ अच्छा सा बोल्ड लेता हूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। ये मैंने ले लिया था, और मैंने इसमें क्या किया था, यहाँ से टूल आपको करवाया हुआ है, इनवेलप टूल लेके मैंने इसको इस तरह से ऊपर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ना पावर क्लिप के जरिए कलर किया था, मतलब वैसे तो आप कलर कर सकते हैं सिंगल भी मल्टी कलर भी, मैंने ये किया था, इसमें पिक्चर इंपोर्ट की थी। हाँ सर यही वाली बात, एक मिनट तो दोबारा रिपीट कीजिएगा काइंडली। ये देखें, ये मैंने पाकिस्तान लिखा, उसका फॉन्ट चेंज किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टूल है हमारे पास एनवेलप।